हेलो, फालतू का ढाल मत दियो यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान की मुस्कान। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट व्लॉग डाल रही हूँ इस वजह से, क्योंकि घर के कुछ काम रहते हैं और दिवाली भी आ रही है, सब लोगों को पता ही होगा, सफाई वफाई का भी कुछ काम रहता है, मतलब काम रहता है, तो इस वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं एडिट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए सॉरी। एंड मैं कोशिश करूँगी कर पाऊँ क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं, घर की सफाई भी करनी है, तो इस वजह से। और मैं आपको सबको दिखाऊँगी भी। तो आज मन कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा करूँ। पहले मैं बता देती हूँ, मेरा जो क्राफ्ट चैनल है ना, मैं सोच रही हूँ दिवाली के बाद शुरू करूँ, मतलब जो भी फेस्टिवल्स हैं उनके बाद ही शुरू करूँ, क्योंकि उन्हीं के बाद मैं थोड़ा फ्री होंगी और मेरा दिमाग चलेगा कि मैं क्या डाल सकती हूँ, क्या नाम रख सकती हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सारे फेस्टिवल्स जो हैं उनके बाद ही खोलूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा करने का मन कर रहा है। मैंने सोचा कि दिवाली के आ रही है और फोटोशूट, मतलब फ़ोटोज़ ना क्लिक करो तो ऐसे चलते थोड़ी ना, तो मेरे पास एक फ्रेम रखा था, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी अभी मैं सोच रही हूँ। बस उसको बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा सामान चाहिए, वो है नहीं अभी, भैया जाएंगे लेकर आएंगे, अब पता नहीं लेकर आएंगे आए, तभी दिखाऊंगी, अगर सामान आ गया तो दिखाऊंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दिवाली आ रही है और इसलिए ऐसा एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे नॉर्मल लगती है दिवाली, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे है ना सबसे ज़्यादा दिवाली पे तैयार होने में बहुत अच्छा लगता है और फोटोज क्लिक्स करवाने में, और बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्रैकर्स जलाने में, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से डर जाती हूँ। मैंने कुकर की सीटी से भी डरती हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं डर जाती हूँ एकदम से। मैं बस अभी बच्चों वाली फूलझड़ी पे अटकी पड़ी हूँ और मतलब अच्छा लगता है लेकिन अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे डर लगता है, और काफ़ी लोगों को मज़ा भी आता है, मुझे भी अच्छा लगता है मतलब, और सबसे ज़्यादा मुझे तैयार होने में अच्छा लगता है, बहुत लोगों को फ़ोटो क्लिक्स करवाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उनमें से मैं एक हूँ। और मैं सोच रही हूँ आज कुछ रील्स बना लूँ, बहुत दिन हफ्ते हो गए होंगे मैंने रील्स नहीं बनाई है, तो मैं थोड़ा मतलब आज सही भी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं बना भी लूँ अपना जो भी रील्स मीन्स, तो इसलिए बस दिवाली है भाई, काम रहेंगे और मैं इस कोशिश करूँगी ब्लॉग डालूँ अब अच्छे से, मतलब डालूँ। और मैं इतनी देर से उधर देख के बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान कैमरे में है ही नहीं, तो उसके लिए भी सॉरी, मेरा पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। और बस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है कि मतलब मैं क्या बनाने की सोच रही हूँ। तो दरअसल बात मुझे कब से पता नहीं, मुझे कब मतलब मैं आपको ये बताऊँगी कि मुझे कब से ये आइडिया आया। तो एक बार क्या हुआ, भैया को ये फ्रेम दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ्रेम दिखता है, बड़ा सा फ्रेम अगर आपको दिख रहा हो तो भैया कहते हैं मैं ना एक फ़ोटो क्लिक करवाऊँगा हम तीनों की अच्छी सी और लगाऊँगा। तो मैं सोचती हूँ भैया कहाँ से लगाओगे क्योंकि इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं लगाने के लिए। तो भैया कहते कहाँ गया, इसमें ही तो था। मैं कहती हूँ कि भैया बोला, भैया कहते अच्छा तूने इसका बना लिया, अच्छा तो अब छोड़ो, मैं इसको फेंक, अब छोड़ो इसको, मैं अब फेंक दूंगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं ये है ना काम में आ जाएगा, फ़ोटोशूट क्लिक आपने देखा होगा वो ऐसे फ़ोटोशूट करवाते हैं एक मिनट ऐसे ऐसे लगा के। तो मैंने सोचा इसको अच्छा सा फ्लावर से डेकोरेट करके करूँगी मैं भी। मम्मी ने कहा हाँ ठीक है कर लियो, लेकिन अभी मेरे पास इसका सामान नहीं है, मैं क्या करूँ, और पता नहीं है भैया लाएंगे नहीं लाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और अगर नहीं लाए तो मुझे एक और ड्राफ्ट करने में एक और आइडिया है, अगर भैया उसका सामान ले आए तो वो भी अच्छी बात है, देखी जाएगी। अब इसका सामान तो मुझे लगता भी नहीं है मिलेगा, और दूसरे वाले के जो ड्राफ्ट है वो मेरे दिमाग में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो भी नहीं बता सकती हूँ। और अभी छोटे छोटे काम रह गए हैं, और छोटे छोटे कर करके काफ़ी बड़े काम हैं, और मुझे अभी काफ़ी सारा सफाई भी करनी है अपनी, अलमीरा की स्टडी टेबल तो है ही साफ, मेरी उस दिन साफ़ की थी उस दिन से साफ ही नहीं की, उसके दो दिन बाद ही मेरी मतलब सारी गंदी हो गई, तो वो भी साफ़ करनी है। और अगर मम्मी आई तो मम्मी से भी हेलो करवाऊंगी, भैया तो आएंगे नहीं, और फिर मैं अभी आपको मम्मी से मिलवाती हूँ, हाय करवाती हूँ, अगर वो आई तो नहीं आई तो फिर क्या ही करूँ मैं। और मैं सोच रील बताई थी, अब रील बनाऊंगी
वो भी देखूंगी, अभी बनाऊंगी। मेरे जो काम है ना, जो मैं सोचती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, शायद सारे के सारे शाम को ही होते हैं, क्योंकि मुझे शाम को ही करना पसंद है। ऐसा है, मैं अभी बहुत देर तक फ्री हूँ लेकिन मुझे शाम को ही करना पसंद है, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर, और मम्मी से भी मिलवाती हूँ। हेलो बोल दो, हेलो, मुंह तो दिखा दो, मुंह देख लिया ना अपने मुंह में। लो लो लो, अच्छे से हेलो बोलो, ऐसे हाथ फेरा के नहीं। हेलो हेलो, निकल अब यहाँ से, निकल अब यहाँ से। मम्मी हेलो बोलो। तू मेंटल है, क्यों बनाती रहती है फालतू में? मेरा मन करता है। तेरा मन करता है तो तू बना, मैं मतलब नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपको लेना भी। हमें ही अच्छा लगता है लेकिन आना। उंगली टूटी हुई है, हेलो हेलो। कहाँ टूटी हुई है, अब तो ठीक है, पूरी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। कुछ भी अच्छे हेलो बोल दो। हेलो, मैं भी तो लेफ्ट हैंड से बोल रही हूँ। हेलो, फालतू का ढाल मत दियो यार, ये पागल है क्या? हाँ, क्या करती रहती है? ये ब्लॉगिंग है तेरी, कौन देखता है? कोई देखता है। मम्मी मेरे हाइट की होगी, मतलब मैं मम्मी की हाइट की होगी, मैं मम्मी की हाइट की होगी। हट जा, मुझसे लंबी होगी थोड़ी सी। हाँ थोड़ी देर थोड़ी सी लंबी हो गई हूँ मैं। थैंक यू मम्मी, हाय तो आपने बोला ही नहीं। किससे हाय बोलूँ? जो कोई देखता हो तो हाय बोलूँ, कोई देखता नहीं है तो हाय किससे बोलूँ? अरे ठीक है ठीक है, चल बादल ना, हर कोई तो में तो पिछली बार भी लिया था, लाइट इतनी ज़्यादा में जला रखी है गोरा दिखने के लिए। चल भाई काम करने दे, काम में इतने सारे, तो एक तो हमारे कुछ ख़त्म ही नहीं होते हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ से लाती हैं काम, और बस जब भी मम्मी आती हैं कुछ ना कुछ कह के ही जाती हैं। और यहाँ मैं मम्मी की हेल्प करवा रही थी सब्जी बनाने में, और मुझे सब्जी काटने में बहुत मज़ा आता है, तो अभी आप देखते रहिए। थी मम्मी की, और अभी मैं फ्री हूँ तो मैं सोची हूँ भैया से थोड़ा प्यार से बात करके उनको थोड़ा समझाऊँगी, भैया घर जाओगे और मम्मी को भी बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो मुझे ये सामान चाहिए तो क्या मैं ला सकती हूँ। तो बस ये बात करनी है, मम्मी और भैया को बनाना है, फिर मैं आप सबको दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या सोचा है मेरे दिमाग में। तो अभी मैं भैया को बना लेती हूँ, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या जाने, मम्मी बन गई भैया नहीं बने, और मम्मी नहीं बनी भैया बन गए, पता नहीं कुछ ऐसा ना हो दोनों अच्छे से मान जाए। तो बस यही मेरी मंजिल रहेगी कि बस मम्मी और भैया को बनाना है लाने के लिए सामान, फिर मुझे आपको दिखाना है और फिर आपको बनाते हुए दिखाना है। आपको लग रहा होगा कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो मेरे पास दो वजह हैं दुखी होने की। पहली वजह ये है कि मम्मी भैया नहीं माने, भैया को तो मैंने बनाया ही नहीं है, पहले मम्मी मान जाएं, तो मम्मी नहीं मानी है तो अब मैं ये जो फ्रेम वाली है वो नहीं कर सकती। और जो सेकंड है वो अभी मतलब मेरा चल रहा है, मैं देखूँगी उसको भी करने की, मम्मी मान जाएँ शायद से। और अभी बस सेकंड जिस बात से मैं दुखी हूँ वो है ये कि आज है मम्मी का व्रत और मम्मी ने बनाया बहुत ही यम्मी खाना, एंड ठीक है मम्मी ने मतलब ऐसा यम्मी खाना नहीं कह रही हूँ मैं, शाही पनीर जैसा, मतलब यम्मी खाने का मतलब मेरी फेवरेट चीज़, मम्मी मेरी फेवरेट चीज़ है मम्मी ने जो बनाया वो है, एक तो दही है, मतलब बनाया क्या मतलब दही
पूड़ियाँ और जो उसके साथ जो सब्जी है वो गोभी आलू, जो कि मुझे इतनी देखने में यम्मी लग रही है, मेरा अभी इतना मन कर रहा है। तो और मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं डाइट पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बीच में अपनी डाइट भी छोड़ दी थी, तो डाइट छोड़ने की वजह से मैं थोड़ी हो गई हूँ इस वजह से। और दिवाली आ रही है, दिवाली तक अगर मैं इतनी सी भी पतली हो गई ना तो मैं बहुत खुश होऊंगी। तो मुझे पतला होना है ये सोच के। अब आपको दिख ही गया होगा, अगर आपको दिख गया होगा कि मैं थोड़ी हो गई हूँ मोटी सी, तो इसलिए पूरी वहाँ बनी है, अब खानी होगी। मैं सोच रही शाम तक के लिए छोड़ देती हूँ अपनी डाइट, सुबह से करती हूँ अपना नॉर्मल मतलब डाइट शुरू करती हूँ। तो ठीक है भैया, मैं इन दो बातों से मैं दुखी हूँ। भैया को मैंने बनाया नहीं है खानी अब तक, देख लिए आपने, देखी जाएगी मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी अपना वही सेकंड वाला जो मैंने सोचा है दिमाग में। मैं दिखाऊंगी क्या क्या बनाए खाने में, तो मैं आपको तभी मिलती हूँ खाते वक्त। मम्मी और भैया गए हैं किसी काम से बाहर, काम पड़ते रहते हैं, और मैं यहाँ घर पे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी। ऐसा मत सोचना, मम्मी कह के गई हैं कि किचन साफ़ कर दियो, तो अभी मैं करूँगी किचन साफ़, और अगर उसके बाद मम्मी आ गई तो ठीक है, वरना मैं रील बनाऊँगी क्योंकि नहीं बना पाई। अभी मैं फ्री हूँ तो रील बना लूँगी, और अभी मैं किचन साफ़ करी हूँ, और आप टाइम लैप्स इंजॉय करिए, और मुझे बहुत इंतज़ार है खाने का। तो चुकी हूँ और अब टाइम है रील बनाने का, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा अभी सेलेक्ट करने में भी देर लगेगी। अब देखा जाएगा, अब रील बनाऊँगी डालूँगी, सब कुछ करना होगा मुझे भी। तो अभी मैं किचन साफ करा गई हूँ और मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो 5 मिनट थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद रील बनाऊँगी, और उसके बाद आपको मिलती हूँ अपने खाने के साथ। क्या पता उससे पहले बना लूँ। और अभी होने वाला चाय का समय, अब पता नहीं मम्मी पियेंगी नहीं पियेंगी। अगर मम्मी नहीं पियेंगी तो मैं क्या पीऊँगी, अगर मैं नहीं पीऊँगी तो मम्मी नहीं पियेंगी, तो यही है। तो देखी जाएगी, अगर मम्मी ने हाँ कही तो मुझे भी हाँ कहनी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेले चाय पीने में किसी को मज़ा नहीं आता। एक रील है जिसमें मुझे शायद से मोटी बुक की ज़रूरत पड़ सकती है, देख लो कितनी मोटी, इससे भी मोटी है, लेकिन मैं इतनी मोटी भी नहीं लाना चाहती। तो ये मैं भैया के लिए आई हूँ, और दिखाऊंगी शायद से ऐसे कि मैं इतना पढ़ती हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं कितना पढ़ती हूँ। तो अगर मैंने डाली तो देख लेना, ये दिखे तो। बाकी रील के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ज़रा जुगाड़ मतलब मेरा ट्राइपॉड ज़रा नानी के यहाँ रह गया क्या, मुझे तो इतनी ज़रूरत पड़ गई, पूरा इतना बंडल सा रखा है मैंने। मम्मी भैया आ चुके हैं, और मम्मी भैया गए थे नानी के यहाँ भी, और वहाँ से खाना भी आया है जो कि काफ़ी देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अभी मैं खाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। और मुझे बहुत पेट में गुड़गुड़ हो रही है, क्योंकि मैंने सुबह भी है ना मम्मी ने दिया था दलिया, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो वैसा का वैसा ही है। ये देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही दलिया, मैंने नहीं खाया बिल्कुल, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं आपको अभी खाना दिखा देती हूँ। प्लेट में ले लिया है खाना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मैंने बहुत सारा ले लिया है। बाहर से मम्मी और भैया की आवाज़ आएगी, मम्मी और भैया ने जुगाड़ आइडिया से कुछ कर रहे हैं काम वाम, मुझे नहीं पता, मुझे अपने खाने से मतलब है, अपने खाने से मतलब है। तो मम्मी ने कह रही है, मम्मी कह रही है कि हाँ ऐसा ठीक है, ये कटोरियाँ भी नहीं फैलेंगी, मम्मी को फैलने से मतलब है। अरे इतना भूख लग रही है ना, मैंने इतना सारा सब कुछ भर लिया, पता नहीं मैं खाऊं भी नहीं,
पता नहीं है। और मैं सोच रही मैं चाय बनाऊंगी, चाय में मम्मी चाय पियोगी, आई जब मम्मी आती है तो मैं पूछती हूँ मम्मी चाय पियोगी, तब पता नहीं मेरा व्रत है तो मैं कहती अरे हाँ यार मैं तो भूल गई, मैं ब्लॉग में कह रही हूँ मैं चाय बनाऊंगी मम्मी को पियेंगी जी वो, तो मैं कहती हूँ कि मैं तो भूल गई चाय बनाना, मैं तो रखने भी वाली थी, तो बस अच्छी बात है चाय नहीं बनी, मेरा भी पीने का इतना मन नहीं कर रहा था, तो अभी मैं खाने को इंजॉय कर लेती हूँ यम्मी यम्मी फूड को, और बता देती हूँ क्या क्या है, छोले और ये गोभी आलू चटनी और ये अब पता नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ ऐसे होते हैं और मीठे होते हैं, भूल गई 2 मिनट पहले मम्मी को बताया था मम्मी ये भी है, अब मैं भूल गई नाम पता नहीं, और पूरियां तो अभी खाना खा लेते हैं, दही मैं नहीं खा रही, रात सी हो गई है तो मैं नहीं खा रही हूँ दही, नुकसान दे जाएगा, और मैंने मम्मी को कॉल किया था कि ऊन और फेविकोल कॉल लाने के लिए, लेकिन मम्मी कहती है मैं तो निकल गई और मैं आने वाली हूँ, तो मम्मी ने कहा कि ठीक, मैंने कहा कि मतलब ठीक है ले आती तो अच्छा रहता, तो फिर आके कहती हैं मम्मी, मैंने मम्मी से ऊन और फेविकोल की दोनों की कही थी, तो मम्मी कहती ऊन नहीं मिली तो फेविकोल का क्या करेगी, कुछ नहीं दिखता ये सब कुछ जाएगा कूड़े में कि नहीं, मम्मी जाएगा पहले अपने खाने को तो पेट में जाने दो, जब सब कुछ अपनी जगह जाएगा, सही बात है ना, पहले पेट में जाने दो कुछ फिर सब कुछ जाएगा, है ना भैया, व्रत मैंने रखा है हाँ पेट तो मम्मी व्रत आपने रखा है, मैंने थोड़ी ना रखा है, मैं सुबह अपना दलिया भी नहीं खाया, मैंने छुआ ही नहीं है, इतनी भूख लग रही है, दलिया आधा कटोरा किसने कर दिया मम्मी सच्ची में नहीं खाया, वो भैया ने ले लिया था, बाद में करूंगी पहले मीठा खाऊंगी, प्यारा प्यारा हलवा, हलवे के बिना कैसे चलेगा मेरा सारा काम, लो बस इतना ठीक है ज्यादा नहीं। मम्मी का व्रत पूरा हो चुका है और मम्मी को भी यहाँ नींद आ रही है, आधी नींद में मम्मी, 8:30 हो रहे हैं अभी, भैया भी सो चुके हैं और खाना पीना सबने कर लिया है, मैंने 2 बार किया है, क्या है तुझे यहाँ मम्मी को, ये भी बता दे क्या क्या करेंगे सुबह उठ के, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी, यहाँ मम्मी सो रही है और मैं बोर हो रही हूँ, सो जा चुपचाप से, बोर हो रही हूँ मम्मी ब्लॉग में, तो मत डांटो इतनी बेइज्जती तो मत करो, सुबह कर ली जितनी करनी थी मम्मी आज चिड़चिड़ी हो रही है और अभी मैं बोर हो रही हूँ लेकिन मुझे सोना पड़ेगा, सो जा ब्लॉग व्लॉग करती रहती कोई देखता है बेइज्जती करना नहीं मम्मी, कुछ तो इज्जत रख लो, नींद आ रही है बहुत तेज, थप्पड़ लगा दूंगी, सो जा ठीक है, बाय बाय कर दो, बाय बाय, किससे बाय करो कोई देखता ही नहीं आप तो इनके सवाल के पीछे पड़ गई हो, बाय बाय जो भी तो कोई एक दो लोग देख रहे हो उनको बाय बाय, गुड नाइट नहीं बोलोगी, अरे सोना है मम्मी को और मैं भी सो रही हूँ, बाय बाय गाइस, लाइक करो फॉलो करो